बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। यूक्रेन की जंग का 11वां दिन, तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आपको थोड़ा बता देते हैं कि इस वीलॉग में कौन सी अहम चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुँचाएँगे। नंबर एक तो हम आपको बताएँगे कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसका यूक्रेन वाली जंग से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि हम इसको शामिल कर रहे हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। दूसरा, जंगबंदी के ऊपर कुछ तय चीज़ें पा गई थी रूस और यूक्रेन के दरमियान, और वहाँ पे ना सिर्फ आम लोगों को निकालने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा रहा था, लेकिन फिर इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए गए हैं और लोगों का इनखला बहुत मुश्किल हो गया है। मारियोपोल नाम का एक एरिया है, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि लोगों के पास अद्वियात और खाने पीने की चीज़ें भी अब मौजूद नहीं हैं। नो फ्लाई जोन के ऊपर जो एक मुतालबा किया यूक्रेन ने, उस मुतालबे के बाद इस वक्त रशिया ने एक धमकी दी है कि नो फ्लाई जोन बनाने की सूरत में रशिया क्या करेगा। फिलहाल रशिया ने अपनी जो बैन अलावामी परवाजें हैं जितनी भी, वो सारी मनसूख कर दी हैं। एक और एटमी पावर प्लांट है यूक्रेन का, यानी दो कब्जा कर लिए हैं रूस ने, तीन बाकी हैं, और तीसरे एटमी पावर प्लांट की तरफ इस वक्त रशिया बढ़ रहा है। यूक्रेन के सदर ने एक स्टेटमेंट दिया है यूरोप को डराने के लिए, वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको बताते हैं। और अमेरिका ने ये कहा कि यूक्रेन को फतह हासिल हो जाएगी, लेकिन किस तरह, उसका एक बड़ा अजीबोगरीब फार्मूला अमेरिका ने बताया है। रूस ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक बैन अलावामी दहशतगर्द तंजीम यूक्रेन के फौजियों की तरफ से, नेटो की तरफ से भेजी गई है और हमारे खिलाफ लड़ रही है। वो तंजीम कौन सी है? रूस में फेसबुक और कुछ दीगर सोशल मीडिया साइट्स, उनको बंद कर दिया गया है, जबकि यूरोप उसको कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये एक तफसीली तहकीकती रिपोर्ट है कि यूरोप का कितना बड़ा नुकसान होगा इस सूरत में जब रूस से आने वाला तेल और गैस बंद हो जाएगी। इसके आदादो शुमार मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली जो लूज़र होगा इस लड़ाई का वो यूरोप होगा। कैसे होगा बताता हूं, लेकिन पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने क्या कहा है। बरतानवी हुकूमत ने इकोनॉमिक क्राइम्स बिल में तरमीम का फैसला कर लिया है, और सदर पुतिन के दौलतमंद इत्तेहादियों पर पाबंदियों के इतलाक में सुस्त रवि के इल्ज़ाम के बाद उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, बरतानिया में जब एक कानून बनेगा तो वो कानून सबके खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब वो कानून बना रहे हैं प्यूटन के दौलतमंद साथियों या रूस के अंदर जो लोग करप्शन करके पैसा निकाल के बरतानिया में या बाकी मुल्कों में रखते रहे हैं, उनको काबू करने के लिए अब यूरोप में बरतानिया में ये कवानीन बन रहे हैं। बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, बड़ी तनकीद हुई है, तो अब ये कवानीन बन रहे हैं, तरमीम की जा रही है। बरतानवी हुकूमत ने इकोनॉमिक क्राइम्स बिल में तरामीम का बिल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की जानिब से तयशुदा सजाओं के साथ हम आहंगी के लिए अब तैयार कर लिया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों को छुपने तक की जगह नहीं मिलेगी। अब ये खबर उन लोगों के लिए बहुत बुरी है जो पैसा मनी लॉन्डर करते हैं और बरतानिया में ले जाकर छुपा लेते हैं। बरतानिया में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से सदर व्लादिमिर पुतिन से राबते रखने वाले अफराद और कंपनियों के असासे मुंजमद किए जा चुके हैं, लेकिन लेबर पार्टी ने हुकूमत पर दबाव में आकर यू टर्न लेने का इल्ज़ाम भी लगाया है। उम्मीद की जा रही है कि इस बिल को पीर वाले दिन या सोमवार को, यानी अब आज मैं आपको वीलॉग बता रहा हूं, तो कल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि ये जो मुख्तलिफ चीज़ें थीं, जो सहूलतें मैसर थीं लोगों को, वो ख़त्म हो जाएंगी, और इस तरह के अफराद पर पाबंदियाँ आयद करते वक्त पूरा करने की ज़रूरत होती थी, कुछ इस तरह की कंपल्शन थी। ये गैर मुल्की कंपनियों के लिए अपने हकीकी मालिकान का ऐलान करने की आखिरी मोहलत को भी 18 माह से 6 माह तक कम कर रहा है। यानी ये पहले कहा जाता था कि आप अपनी हकीकी मलकियत, अपने जो हकीकी कंपनियाँ हैं, अपने हकीकी मालिकान का ऐलान करें, तो मालिकान के बारे में बताया नहीं जाता था कि इन कंपनियों का मालिक कौन है। लोग अपना पैसा छुपा कर रखते थे, कंपनियों के मालिकान तक का नहीं बताया जाता था। उसकी मुद्दत 18 माह तक रखी गई थी, अब उसको 6 माह तक किया जा रहा है। इस असूल की तामील ना करने पर जुर्माना 500 पाउंड यौमिया से बढ़ाकर 2500 पाउंड यौमिया किया जा रहा है। तवक्को है कि इस माह के वस्त तक ये बिल कानून बन जाएगा। इससे उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बरतानिया में जाके कंपनीज बनाते हैं, वहाँ पर कारोबार करते हैं और ख़ुद भी शनाख्त छुपा कर रहते हैं। यानी पता तो होता है कि ये फलां आदमी है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किन किन चीज़ों का मालिक है,
या जिन चीज़ों को ये इस्तेमाल कर रहा है एक्चुअली यही इनका मालिक है। तो बेनिफिशियल ओनर वाला चक्कर है जो शरीफ खानदान का भी था। तो अब ये चीज़ें जो हैं, जो मुजरिम अशराफिया है उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा और बदनवानी के सिलसिले को बंद कर देगा। ये वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि उन लोगों के पास छुपने के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। तो एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर ये है कि एक आर्जी जंग बंदी की गई थी और ये कहा गया था कि इंसानी बुनियादों पर कुछ राहदारियाँ खोली जाएँ और रूस और यूक्रेन दोनों लोगों को निकलने का मौका फराहम करें। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाए हैं। यूक्रेन ने भी दावा किया है कि रूस जो वक्ती जंगबंदी है मुख्तलिफ एरियाज़ में उसकी पाबंदी नहीं कर रहा, जबकि रूस ने भी कहा है कि यूक्रेन तआवुन नहीं कर रहा। मारपोल से शहरियों का इनखला मुलतवी कर दिया गया है और मारपोल सिटी जो है उसकी सूरत बहुत ख़राब है। सूरत यह है कि वहाँ दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है और MSF नामी एक इदारा है उसके मुताबिक गुज़िश्ता रात बमबारी बहुत शदीद और लोगों को उसमें नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने बर्फ़ और पानी जो बारिश का था उसको जमा करने के लिए पीने के लिए जमा किया। हमने आज मुफ्त पानी हासिल करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, बड़ा रश है, तो सूरत हाल उस शहर के अंदर बहुत बुरी है। बिजली पानी और मोबाइल कनेक्शन नहीं चल रहे और किसी ने भी इनखला के बारे में कुछ नहीं सुना। अब यहाँ से लोगों को इंसानी हमदर्दी के तहत निकालना बहुत ज़रूरी है। रूस और यूक्रेन को तआवुन करना चाहिए। नो फ्लाई जोन का एक मुतालबा जो किया था यूक्रेन ने कि एक नो फ्लाई जोन कायम किया जाए। नो फ्लाई जोन का मतलब ये है कि फ़िज़ाई ताकत के ज़रिए से, हथियारों की ताकत के ज़रिए से एक मुल्क की जो फ़िज़ा है उसको हर किस्म की परवाज़ के लिए बंद कर दिया जाए। यानी वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं आ सकेंगे, जंगी जहाज़ नहीं आ सकेंगे, अगर कोई आएंगे तो फिर उनको तबाह कर दिया जाएगा। इसके लिए जदीद तरीन इस किस्म के सिस्टम लगाए जाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट होंगे, जो एयर डिफेंस सिस्टम होंगे और उसके अलावा जदीद जेट जो लड़ाका हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूक्रेन ने कहा कि नो फ्लाई जोन इसको बना दें, वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा बाद में तैयारें दे दें। अब पुतिन ने इस हवाले से खिताब किया है, उन्होंने कहा अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो उसे जंग में बराह रास्त शरीक समझा जाएगा और हम ये समझेंगे कि वो मुल्क रूस के साथ जंग कर रहा है, तो फिर रूस उसको जंग में जंगी तरीके से जवाब देगा। यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन बनाना मुश्किल काम है। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने को जंग में बराह रास्त शिरकत समझा जाएगा। और ये बात की है पुतिन ने मॉस्को में रूस की कौमी एयरलाइन के सदर दफ्तर का दौरा करते हुए और वहाँ पर उन्होंने मुलाजमीन के साथ खिताब किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा नहीं है, रूस पर आयद पाबंदियाँ ऐलाने जंग जैसा है, हम यूक्रेन की जानिब से मोहलिक हथियारों के हुसूल की ख्वाहिश का खात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूक्रेन तक वो वॉर मशीनरी ना पहुँचे जो कल को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। मार्शल लॉ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इंतहाई कदम है और मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें हमें ये कदम उठाना पड़े, क्योंकि रूस में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वह मार्शल लॉ लग जाएगा। तो इस पे सदर पुतिन ने मार्शल लॉ के हवाले से एक अहम तरीन बयान जारी कर दिया है। रूस ने अपनी कौमी एयरलाइन की तमाम बैन अवी परवाजें 8 मार्च के बाद से मनसूख कर दी हैं और ये गालिबा जवाब है उसके ऊपर लगने वाली पाबंदियों का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बरतानिया ने, अमेरिका ने और कनाडा ने रूसी एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले से पाबंदी लगा दी है और रूस का ये इकदाम शायद उन्हीं पाबंदियों का जवाब है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस को उड़ाना ही बंद कर दिया है। एक और खबर आई है और ये अमेरिका से सोर्सेज कह रहे हैं, अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर ने दावा किया है कि रूसी फौजी यूक्रेन के एक और जौहरी प्लांट की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं और इसके बाद करीब पहुँच गए हैं। ये उन्होंने कहा कि रूसी फौजी यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी जौहरी तनसीबात में से 20 मील दूर हैं और उसके करीब पहुंच रहे हैं। उनका इशारा था केव में तकरीबन 200 मील जनूब में वाक़ जोजो क्रेंसक पावर स्टेशन की तरफ कि वहां पे अब रूसी फौजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2 पावर प्लांट वो पहले ही ले चुके हैं एटमी और ये भी वो ले जाएंगे, तो फिर आधे से ज़्यादा एटमी पावर प्लांट जो हैं यूक्रेन के वो कंट्रोल में आ जाएंगे बराह रास्त रशिया के। यूक्रेनी सदर ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ख़त्म हो गया ना तो फिर यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये एक आगाज़ है, रूस के अजायम ठीक नहीं हैं, वो दोबारा से सोवियत यूनियन बनना चाहता है।
और अगर उसने ये किया तो फिर वो और आगे बढ़ेगा। यूक्रेन को खत्म करने के बाद वो नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी क़यादत ने नो फ्लाई जोन का इतलाक करने से इनकार करके यूक्रेन के शहरियों और देहातों पर मजीद बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है और रूस ऐसा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा है कि यूक्रेन वक्त के साथ साथ रूस से जंग जीत सकता है, यानी वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन पूरा तबाह हो जाए, रूस के साथ जंग लड़ता रहे और अमेरिका इस लंबी जंग का फायदा उठाए, रूस को अंगेज करे और यूरोप की तरफ जाने वाली सप्लाइयां बंद कर दे। अमेरिका को फायदा यह है कि अगर रूस से जो तेल और गैस यूरोप को जा रही है अगर वो बंद हो जाती है तो फिर अमेरिका के लिए ये मार्केट खुलेगी, फिर अमेरिका अपनी प्रोड्यूस की गई गैस को यहां पहुंचाएगा, महंगे दामों पहुंचाएगा, ज्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि यूरोप को एनर्जी हर हाल में चाहिए और एनर्जी जो है वो उनके पास एक महीने की गालिबन स्टोर है। उसके बाद उनका इन्हिसार अपने ज़राए के ऊपर होगा और दीगर कुछ ज़राए हैं, उस हवाले से मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं। लेकिन वक्त के साथ साथ कैसे जीत जाएगा यूक्रेन? वैसे ही जीत जाएगा जैसे वक्त के साथ साथ अफगान फोर्सेस जीत रही थी, जैसे वक्त के साथ साथ अमेरिका को शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में। ये जितना वक्त लगेगा रशिया उतना घुसता चला जाएगा। रूस ने यह कहा है कि यूक्रेन में अमरीकी तरबियत याफ्ता दौलत इस्लामिया के जंगजू लड़ रहे हैं। रूस पहले भी यह दावा करता रहा कि दाइश जो है वो अमेरिका की एक पाली हुई तंजीम है। वो ये कहता है कि दाइश को अमेरिका ने ट्रेंड किया है अपने मकासद के लिए और वो अमेरिकन एजेंट्स के लिए काम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन के फौजियों के शाना बशाना दाइश के दौलत इस्लामिया के जंगजू जो हैं वो लड़ रहे हैं रूसी फौजियों के ख़िलाफ़, और इन्हें अमेरिका ने 2021 के आखिर में शामी जमहूरी फोर्सेस की करदोंग में गैर कानूनी मुसल्लह ग्रोहों के कैद खानों से रिहा किया है, यानी उनको वहाँ से रिहा करके यहाँ पहुँचाया गया है और अब उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है रूस के खिलाफ यूक्रेन के महाज के ऊपर। ये रूस का एक दावा है, हो सकता है इसमें सदाकत हो। अब ये एक रिपोर्ट है, ये दुनिया भर के मीडिया के ऊपर छप भी रही है और इसके अंदर हकायक मौजूद हैं। हमने इस पर खुद भी कुछ रिसर्च की है, बीबीसी ने भी इस पर काम किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बायस जर्मनी तक जो गैस पाइपलाइन के मनसूबे नॉर्ड स्ट्रीम 2 की मंजूरी का अमल रुक गया है, जिसके बायस यूरोप में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, जर्मनी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं एक और वीलॉग में आपको बताऊंगा, उसमें हमें कुछ मैप्स तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जर्मनी से अमेरिका को और यूरोप को किस किस्म की शिकायत है और जर्मनी को मगरबी इत्तेहाद से किस तरह की शिकायत है। वहाँ ये एक ऐसा मुल्क है जो उनको खुटकता है, जिनका वो इत्तेहादी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन ये खबर क्या है, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ही आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है और उसके असरात सारी दुनिया पर आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक तेल की दरामद का 1/4 यानी 25% तेल यूरोपीय यूनियन के जो मुल्क हैं वो रूस से लेते हैं, 50% गैस वो रूस से लेते हैं। इन अदादोशुमार को सामने रखते हुए इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आलमी ताकतों की जानिब से रूस के खिलाफ उठाए गए इकदाम के जवाब में रूस अपने गैस और तेल की सप्लाई को महदूद कर सकता है। देखें, एक दो चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, यह कि रूस तकरीबन 40% यूरोपीय यूनियन को गैस दे रहा है, 25% उनको तेल दे रहा है और तकरीबन उनकी जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनकी 60% से ज़्यादा वो पूरी कर रहा है। बाकी जो वो ज़रूरियात हैं वो कहीं नॉर्वे से पूरी करते हैं, कुछ अलजज़ायर से पूरी करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ एरिया से वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं यूरोपीय यूनियन के लोग, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी के लिए आपको गैस और पेट्रोल की या तेल की आपको ज़रूरत होती है। तो रूस एक बहुत बड़ा सप्लायर है जो पाइपलाइंस के ज़रिए से पहुंचाता है, पाइपलाइन के ज़रिए से आपके अखराजात बहुत कम होते हैं और बड़े आराम से आप गैस की और तेल की सप्लाई कर देते हैं। और यही सप्लाई अगर आपको बहरी जहाज़ों के ज़रिए करनी पड़े या दीगर ज़राए से करनी पड़े तो आपको जो किराया पड़ता है वही बहुत ज़्यादा होता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि रूस और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक ऐसा झगड़ा हो जाए कि रूस की सप्लाई गैस की और तेल की बंद हो जाए और फिर अमेरिका जो है वो मैदान में उतरे और वो ये सप्लाई दे यूरोपीय यूनियन को, जिससे उनकी सप्लाई महंगी हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो यूरोप बहुत मुश्किल में आने वाला है। मिसाल के तौर पे ये एक मैप है, ये बीबीसी ने लगाया, कुछ और जगहों पर भी ये मौजूद है, आप देख सकते हैं, जाके खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि ये बहुत सारी पाइपलाइंस हैं जो गुजर रही हैं। यूक्रेन में से 2 पाइपलाइन गुजरती हैं, जर्मनी तक जाती हैं, ये रशिया से गैस लेकर जा रही हैं और हाइड्रो पेट्रोलियम, और इसके अलावा यामाल एक
पाइपलाइन है, एक ब्रदरहुड एक पाइपलाइन है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, इसके ऊपर काम हो रहा था वो रुक गया है। तो ये पूरे यूरोप को जो सप्लाई है एनर्जी की वो रूस कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये गैस बंद हो जाती है तो फिर कैसे गुजारा करेगा यूरोप। तो इसका जवाब ये है कि यूरोप खसारे में और घाटे में जाने वाला है, और यही खसारा और घाटा उनको रूस से ना तो लड़ने देता है ना ज़्यादा दूर जाने देता है। देखिए, आप दो ऑप्शन दें, या तो रूस पे कब्ज़ा कर लें और उसके सारे ज़राए जो हैं उसके वसायल उससे छीन लें और उनको छीन के ये गैस और तेल अपने कब्ज़े में कर लें, वो तो हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि रूस के साथ दोस्ती रखें और उससे ये चीज़ें लेते रहें, वो भी इस वक्त मुश्किल हो गया है। तीसरा ये है कि रूस से चीज़ें लेना बंद कर दें और कहीं और से ले लें। कहीं और से लेंगे तो इनकी कॉस्ट दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी तो यूरोप की मार्केट कहाँ जाएगी, यूरोप की मंडियाँ और यूरोप की प्रोडक्शन और यूरोप की फैक्ट्रियाँ वो कहाँ जाएंगी, उनके कारखानों के साथ क्या होगा, और चाइनीज़ उनकी क्या दुर्गत बनाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ की कॉस्ट लगातार कम हो रही है और यूरोप की बढ़ रही है। अमेरिका को कुछ पैसे इसमें ज़रूर मिलेंगे लेकिन वो अपने इत्तेहादियों की कमर तोड़ देगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।